लॉकडाउन कल खत्म होने जा रहा है और इससे पहले कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने पर कोई बड़ा ऐलान करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री कोरोना पर दो बार देश को संबोधित कर चुके हैं। 19 मार्च को पहली बार जब वो जनता के सामने आए थे तब उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। दूसरी बार के संबोधन में प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया और अब देखना है कि तीसरे दिन संबोधन में लॉकडाउन के आखिरी दिन जब प्रधानमंत्री सामने आएंगे तो लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में वो क्या ऐलान करते हैं। ये भी चर्चा है कि कुछ क्षेत्रों में छूट की बात भी की जा सकती है। और फिलहाल आपको हम लेकर चलते हैं सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नियंत्रण में है, जैसे मैंने कल बताया था, इस व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के लिए गृह मंत्रालय ने कल सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर फिर से स्पष्ट किया है कि मंत्रालय की गाइडलाइंस का लेटर और स्पिरिट में अनुपालन होना चाहिए। सभी ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स का इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट अलाउड है, चाहे वो कार्गो एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल। कार्गो मूवमेंट के लिए अलग से कोई भी परमिट या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। खाली ट्रक्स और गुड कैरियर्स भी अलाउड है, क्योंकि ये गुड्स को पिकअप करने के लिए जाते हैं या गुड्स की डिलीवरी करने के बाद वापस आते हैं। ट्रक में ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति परमिटेड है। हमने पत्र में ये भी लिखा कि लोकल अथॉरिटीज को ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की सक्रियता के साथ उनके घरों से ट्रक की लोकेशन तक जाने में सहयोग देना चाहिए। लॉकडाउन एक्टिविटीज के अंतर्गत जो औद्योगिक और व्यावसायिक एक्टिविटीज की अनुमति है उनके वर्कर्स की सरल आवाजाही में भी लोकल अथॉरिटीज को सहयोग देना चाहिए। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और कस्टम्स के अधिकारियों को उनके स्टाफ और कंट्रैक्चुअल लेबर को पास देने के लिए अधिकृत किया गया है, ये सब भी सुनिश्चित करना चाहिए। स्टेट्स और यूटीज को त्वरित गति से उन कंपनीज और संगठनों के वर्कर्स के लिए पास इशू करना चाहिए जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टेट्स और यूटीज के बॉर्डरिंग एरियाज में हैं उनको कोई समस्या ना आए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एसेंशियल आइटम्स में कार्य कर रहे हैं जैसे आटा, दाल और एडिबल ऑयल, उनके कार्यों में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस को भी बाधा रहित तरीके से ऑपरेट करने देना चाहिए, चाहे वे एसेंशियल गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस हो चाहे अन्य गुड्स के लिए। ये निर्देश हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर लागू हैं और इन सब एक्टिविटीज को करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए। सभी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना है कि सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और फील्ड एजेंसीज तक इन गाइडलाइंस की जानकारी पहुंचाए, जिससे कि लोक हित में ये सब परमिटेड एक्टिविटीज बाधा रहित और सुचारू रूप से चलती रहे। इन सब मेजर्स से हम इंश्योर कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान एसेंशियल कमोडिटीज और सर्विसेज में कोई भी कमी ना आए। धन्यवाद। आई सी हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। कल तक हमने 2,06,212 टेस्ट किए हैं, उनमें से 14,855 पिछले दिन जो हुए थे वो 156 लैब से हुए हैं और जो 69 जो प्राइवेट सेक्टर में के लैब है उनमें से 1913 टेस्ट हुए हैं। हमने 14 मेंटोर इंस्टीट्यूट्स करके उनको खड़े किया है कि जो यानी सब लोगों का कहना है कि अलग अलग जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी होए तो वो रीजनल उनको स्टेट एलोकेशन किया है और वो लोग अपने इलाके में वो देखेंगे और कहीं नई लैब खोलना है क्या, कहीं वो फिजिबल है क्या, उनके पास सारे इक्विपमेंट है क्या और वो ट्रेन कर सकते हैं क्या।
आज भी हमको इतना डरने की जरूरत नहीं है। जिस ढंग से हम टेस्ट कर रहे हैं, अभी जितना स्टॉक है उसमें हम 6 हफ्ता टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेल्थ प्लीज। COVID-19 के संबंधित इशू पर रिसर्च को रिव्यू करने के लिए माननीय हेल्थ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर साहब ने CSIR की लैब DGCSIR और उनकी 38 लैब के साथ कल एक डिटेल रिव्यू लिया था, जिसके तहत CSIR में एक कोर स्ट्रैटेजी ग्रुप बनाया गया है और उस स्ट्रैटेजी ग्रुप के तहत मुख्यतः डिजिटल और मॉलिकुलर सर्वेलेंस, रैपिड एंड इकोनॉमिकल डायग्नोस्टिक्स, न्यू ड्रग्स, रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स एंड एसोसिएटेड प्रोडक्शन प्रोसेसेस पर काम किया जा रहा है। CSIR की ये लैब्स प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मंत्रालयों के साथ भी क्लोज कोऑर्डिनेशन में कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 27 राज्यों में 78,000 के करीब हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनके द्वारा अब तक 1.96 करोड़ मास्क का प्रोडक्शन किया जा चुका है। साथ ही नेशनल कैडेट कोर द्वारा एक्सरसाइज NCC योगदान के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की जा रही है। COVID-19 के खिलाफ की इस लड़ाई में अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने वॉलंटियर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी है जहान भी है और उनकी यह कॉल इज ऑल्सो बैक्ड बाय एक्शन। 10 अप्रैल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को COVID-19 के कारण हुए लॉकडाउन के प्रभाव से संबंधित बचाने के लिए सपोर्ट के लिए 28,256 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान की गई है। दिस इंक्लूड्स सपोर्ट टू 19.86 करोड़ जनधन योजना विमेन अकाउंट होल्डर्स जिनको कि 9,930 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। साथ ही पीएम किसान योजना के तहत 6.93 करोड़ फार्मर्स को करीब 13,855 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसी तरीके से सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 2.82 करोड़ विडोज, सीनियर सिटीजन्स और जो हमारे दिव्यांग हैं उनको करीब 1,405 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। 2.16 करोड़ जो हमारे बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कर्स हैं उनको भी करीब 3,066 करोड़ रुपीस की राशि के द्वारा हमने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। मैं यही आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि वाइल नेशन इज एट लॉकडाउन, हम ये चाहते हैं कि लाइफ ना रुके और इसीलिए एफर्ट्स हैं कि वाइल लाइव आर बीइंग प्रोटेक्टेड उसी के साथ साथ लाइवलीहुड के ऊपर भी काम हो। अब तक अगर मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ये लाना चाहूँगा कि अब तक अराउंड 857 लोग रिकवर हो चुके हैं और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो एक ही दिन के अंदर 141 लोग जो रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ पर। अगर पॉजिटिव केसेस और रिपोर्टेड डेथ की स्थिति अगर हम देखें तो टोटल 9,152 पॉजिटिव केसेस आए हैं, टोटल 308 डेथ रिपोर्ट हुई हैं और एक दिन के तहत देखें तो 796 पॉजिटिव केसेस एडिशनल आए हैं और इसके साथ ही टोटल 35 एडिशनल डेथ देश में रिपोर्ट की गई हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट फील्ड स्थाई पर जो हमारा जिला एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट दिखने भी लगे हैं। आज अगर हम देखें तो 15 राज्यों में 25 जिलों में उसमें पिछले 14 दिन से, जबकि वहाँ पर इससे पहले के पॉजिटिव केसेज आए थे तो पिछले 14 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केसेज रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। मैं इन जिलों के नाम आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा जिसमें है गोंदिया इन महाराष्ट्र, राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, देवनगिरी, कोडगु, तुमकुरु और उड़ीपी कर्नाटका में, साउथ गोवा इन गोवा, वायनाड और कोट्टयम इन केरला, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, राजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर, आइजवाल वेस्ट इन मिजोरम, माहे इन पुडुचेरी, SBF नगर इन पंजाब, पटना, नालंदा और मुंगेर बिहार में, प्रतापगढ़ इन राजस्थान, पानीपत, रोहतक, सिरसा इन हरियाणा, पौड़ी गढ़वाल इन उत्तराखंड, भद्राद्री कोटागुड़म इन तेलंगाना। इसमें मुख्यतः बात यह है कि इन जिलों में जब पॉजिटिव केस आया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज के तहत काम किया और जिसके रिजल्ट फलस्वरूप हमें कुछ कुछ दिखने भी लगे हैं,
लेकिन आज फिर भी यह जरूरत है कि हम अपनी विजिलेंस कंटिन्यूड उसी विगर उसी एनर्जी के साथ बनाए रखें। हम यह सुनिश्चित करें कि आने वाले दिनों में भी इन जिलों में कोई नया केस ना आए। हम हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। टाइमली रेस्पॉन्स के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है। हम टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइव केस ट्रैकिंग, केस मैनेजमेंट और कंटेनमेंट प्लान की इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। GIS मैपिंग के द्वारा पॉजिटिव कन्फर्म केसेस, एक्टिव इंटरवेंशन एरियाज आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट प्लान इम्प्लीमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीट मैप्स और प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस के द्वारा फ्यूचर में किस एरिया में हमें काम करना है उसका प्रयोग किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स हैं जिनके द्वारा रैपिड रेस्पॉन्स टीम और एम्बुलेंस और क्वारंटाइन मैनेजमेंट को मैनेज किया जा रहा है। कुछ जिलों ने रिमोट डिजिटल मेडिकल कंसल्टेशन भी शुरू किया है जिससे कि लोकल मेडिकल स्टोर्स भी कनेक्टेड हैं। सरकार ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन के रिस्क असेसमेंट के लिए नागरिकों के लिए एक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का भी लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन 11 लैंग्वेजेज में उपलब्ध है। इसके अब तक 3.45 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। इसके द्वारा एक कॉमन सिटीजन अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ना ही वो अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर इस एप्लीकेशन को सभी लोगों ने डाउनलोड किया हो तो उनको अगर वो किसी पॉजिटिव या उस टाइप के आदमी के पास जाएंगे तो उनको एक रिक्वायर्ड अलर्ट भी मिलेगा। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यह एप्लीकेशन जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाई गई है, इसको कृपया करके सब लोग डाउनलोड करें और इसका फ़ायदा उठाएं। हम स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इसके अलावा साथ साथ ICMR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। वो क्या कहेंगे ये सब जानना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त चार बड़े सीनियर मेहमान हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ BJP की तरफ से बात करने के लिए संबित पात्रा जी हैं, आपके अलावा हमारे साथ अनिल विज साहब हैं जो कि हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं। स्वागत है सर आपका। संबित जी आपका भी स्वागत है। संजय झा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं JDU के और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर बिहार हैं। और साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ हैं जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं राजस्थान के। आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। पात्रा साहब शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। लोगों के अंदर प्रधानमंत्री के आने की जब भी खबर आती है उसके बाद एक उत्सुकता रहती है कि वो क्या कहेंगे और तीसरी बार उनका संबोधन होने वाला है देश को। आम तौर पर आपको बताऊं लोगों के बीच में अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात घर कर गई है कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा। सवाल यह है कि ये वैसा ही संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है जो कि 21 दिन का पहले हुआ था या इसमें कुछ रियायतें होंगी? देखिए सौरभ जी, पहले तो आज आपका पैनल बहुत ही, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ही ऑगस्ट पैनल है और जितने भी सीनियर मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं मैं सबको नमस्कार भी करता हूँ। और जहां तक प्रधानमंत्री कल क्या बोलेंगे ये तो यहाँ कोई नहीं जानता होगा, पैनल में बैठे सीनियर लोग भी नहीं जानते होंगे और मैं भी नहीं जानता हूँ, वो सिर्फ प्रधानमंत्री जानते हैं। मगर इतना डिस्कशन के लिए हम जरूर कह सकते हैं कि स्वाभाविक है लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री कुछ अनाउंसमेंट अवश्य करेंगे कल। वो क्या अनाउंसमेंट होगा इंतजार करना चाहिए। दो तीन चीजें हैं। प्रधानमंत्री ने अभी चंद दिनों पहले जब मुख्यमंत्रियों से अपनी बैठक की थी तो वहां एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रेज का इस्तेमाल किया था, जान भी और जहान भी। आप याद करिए इससे पहले उन्होंने कहा था जान है तो जहान है, उसको इस बार उन्होंने कहा है कि जान भी महत्वपूर्ण है और जहान भी महत्वपूर्ण है। तो एक इंडिकेशन तो उन्होंने दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स जो इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए इस विषय में सरकार जरूर चिंतन कर रही होगी। मैं बारीकी से नहीं जानता हूं कि लॉकडाउन का क्या स्थिति कल रहने वाला है और प्रधानमंत्री क्या घोषणा करेंगे, पर मैं साइंटिफिक आउटलेट्स देख रहा था, बहुत जगह बहुत सारी साइंटिफिक आउटलेट्स आ रही है। जैसे कि एक आउटलेट कहती है कि 35 जिले पूरे भारतवर्ष में ऐसे हैं, 35 डिस्ट्रिक्ट्स जिनके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में भी कोई केस नहीं है कोविड का, कोई केस कोरोना संक्रमण का नहीं है। ऐसे में इन 35 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या अलग डिस्ट्रिक्ट से किसी प्रकार से हम पृथक करके देख सकते हैं? नंबर एक, 450 जिले पूरे भारतवर्ष में ऐसे हैं जो कि वो फ्री है कोरोना से किंतु उनके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई कोरोना केस है, तो क्या उनके लिए किसी अलग प्रकार का प्लान हो सकता है? तो मुझे लगता है कि यह भी संभावना है कि टेलर मेड लॉकडाउन
यह हो सकता है क्या? यह हिंदुस्तान की जनता, साइंटिस्ट्स और आप लोग सब एक स्पेकुलेशन के आधार पर चल रहे हैं, इंतजार करना चाहिए। कल जो माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे सबके लिए ग्रहणीय होगा। अच्छा, ये आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं जैसा आपने कहा टेलर मेड लॉकडाउन हो सकता है। ऐसे राज्यों की अपनी अपनी परिस्थितियों को देखते हुए उनके हिसाब से लॉकडाउन हर स्टेट पे लागू हो सकता है, ऐसी भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। आज खुशकिस्मत हमारी कि हमारे साथ तीन राज्यों के बड़े वरिष्ठ मंत्री हमारे साथ हैं, राजस्थान, बिहार और हरियाणा के। मैं पहले प्रताप जी के पास जाना चाहता हूं। प्रताप जी, अगर स्टेट्स के लिहाज से हम पूछें आपसे, राज्य सरकारों के लिहाज से, तो वो इस वक्त केंद्र से क्या उम्मीद लगाकर बैठी हैं? ये सब जानते हैं कि कल शायद लॉकडाउन बढ़ने का ही ऐलान करेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, ये लड़ाई ऐसी है जिसमें सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस वक्त केंद्र सरकार की तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हेड मुखिया के रूप में देश के प्रधानमंत्री है और पूरे देश के जितने राज्य हैं उन सब के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, आम आदमी, पॉलिटिकल पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, सब मिलकर इस महामारी से लड़ना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। और भगवान की कृपा ऐसी होनी चाहिए कि जिस ढंग से सूरज भगवान तेजी से आ रहे हैं तो लोगों को लगता है गर्मी बढ़ी है। अब इसका साइंटिफिक कितना फायदा होगा वो तो अलग बात है, लेकिन एक लोगों में जोश, मन में उत्साह है कि लॉकडाउन टाइम पर हो गया। और आपको पता है राजस्थान वो स्टेट है जिसने सबसे पहले लॉकडाउन किया, लॉकडाउन टाइम पर हो गया, देश पूरा एक खड़ा हो गया, सब ने लॉकडाउन को माना, जहाँ कर्फ्यू की जरूरत है वहाँ कर्फ्यू लगा। कई स्टेटों में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जयपुर में भी, हमारे यहाँ पर जयपुर जो राजधानी है वहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ा, इसको हमने लॉकडाउन किया, कर्फ्यू लगाया। अब प्रधानमंत्री जी, जब लॉकडाउन की, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, अब ये तय करना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का काम है, ये अकेला मैं तय नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़े लेवल का मामला है। क्योंकि देश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जब आपस में डिस्कस करते हैं, इनकी बातचीत हो रही है, मेरे से भी केंद्र के कई मंत्रियों ने बातचीत की, राजस्थान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट मिस्टर पायलट हो, हम सब लोग इस वक्त राजस्थान में ये कर रहे हैं कोशिश कि एक तो कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए, हर आदमी परेशानी में नहीं आए। बाहर की जो लेबर राजस्थान में फंस गई है, हमने एक दिन तो कोशिश करके सबको बसों से निकाला। हम ये चाहते हैं कि एक बार जब 14 को ये लॉकडाउन आगे बढ़े तो ऐसा कोई रास्ता निकलना चाहिए कि ये जो लेबर जहां अटक गई है अलग अलग स्टेट में, वो अपने अपने घरों पर पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर लगभग 50,000 मजदूर जयपुर में हैं, जिनके लिए आज सुबह 5,000 तो सूखे किट भेजे गए, जिसमें आटा, दाल, चावल अचानक भेजे हमने, रोज खाने की व्यवस्था करें। ये सब स्टेटों में चल रहा है। लॉकडाउन होने से मजदूर बार बार कहता है मुझे मेरे घर पहुंचा दो, और वो उसका हक है। ऐसे में ऐसा काम हो कि लॉकडाउन भी नहीं टूटे, कर्फ्यू भी नहीं टूटे, मजदूर अपने घर भी पहुंच जाए, इस तरह का। चलिए ठीक है, आपने कम से कम एक ऐसी देश के आपने एक स्पेसिफिक बात कही कि कम से कम लॉकडाउन अगर आगे एक्सटेंड भी हो तो कम से कम इतना काम हो जाए कि जो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और हर राज्य से आए हुए हैं, वो लोग किसी तरह अपने घर पर पहुंच जाए। विद साहब, जब प्रधानमंत्री ने कहा इस बार की जान भी और जहान भी, लॉकडाउन से ही जान बचेगी ये तो लोग समझ गए, अब जहान कैसे बचेगा, इसके लिए क्या किया जाए अगर एक्सटेंडेड लॉकडाउन होता है तो? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रदेशों को 3 जोन्स में बांटने की बात कही। उन्होंने कहा रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, और वो कहां पर कोरोना की क्या स्थिति है उसी के हिसाब से ये जोन सभी प्रदेश अपने अपने बांटेंगे। वैसे तो जो प्रधानमंत्री जी करेंगे वो बहुत अच्छी तरह से इस चीज का स्टडी कर रहे हैं, और उन्होंने सारे विपक्षी नेताओं को भी कॉन्फिडेंस में लिया है, और 2 बार उन्होंने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। मैं खुद भी उसमें शामिल रहा हूँ बतौर स्वास्थ्य मंत्री और होम मिनिस्टर के, उन्होंने उनकी राय ली है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि रेड जोन में तो शायद रिस्ट्रिक्शंस आप जैसी हैं शायद उससे भी ज़्यादा रहें, और जो येलो जोन होगा उसमें कुछ रिलैक्सेशन शायद दी जाए, और जो ग्रीन जोन होगा उसमें ज़्यादा रिलैक्सेशन दी जा सकती।
चलिए ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है रेड जोन, येलो या ऑरेंज जोन जिसे अमित साहब कह रहे हैं, और ग्रीन जोन, इसके बारे में और हम बात करेंगे। हमारे साथ संजय जी हैं बिहार से। संजय जी, बधाई पहले तो आपको इस बात की कि अभी कुछ जिलों के नाम लिए गए जहां पर पिछले कुछ दिनों में नहीं आया है कोरोना, उसमें पटना भी एक जिला है जहां पर पहले कोरोना का केस आया था और अब कई दिनों से कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया। हर राज्य में ऐसे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये सबके लिए एक मनोबल बढ़ाने वाली बात है। लेकिन अभी जैसे अमित साहब ने कहा कि ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि भाई अलग अलग जोन से बांटा जाए, जहां पर परिस्थिति विकट है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहां पर ऐसे का ऐसा संपूर्ण लॉकडाउन रहे, जहां कम है वहां कुछ रियायतें दी जाए, जहां जिन जिलों में, जैसे आज एक आंकड़ा है कि देश के लगभग आधे जिले ऐसे हैं जहां एक भी मामला आया ही नहीं है कोरोना का, तो उनको ग्रीन जोन में मान करके वहां पर कामकाज खोला जा सकता है। आपको लगता है कल ऐसा कोई ऐलान हो सकता है? नहीं, बिहार को तो वैसे भी आप जानते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज का एरिया माना जाता था कि बिहार में इतना डेंस पॉपुलेशन है, और उसके अलावा जो माइग्रेंट लेबर का भी बड़ा फोर्स दिल्ली से यहाँ आया था, जब आपको पता है कि 400-500 बस लगा के यहाँ लोग आ गए उस बीच में, और लगा कि बिहार में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, लेकिन पिछले 40 घंटे में कोई केस नहीं आया है। 65 लोग अभी तक कोरोना से पीड़ित हुए, पॉजिटिव हुए, उसमें 22 लोग ठीक हो करके घर चले गए। एक केस तो और इंटरेस्टिंग है, सिवान में जिस बंधु ने, जिनके वजह से 20 या 21 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, वो खुद ठीक होकर घर चले गए। और ओवरऑल जो परिस्थिति बिहार में है वो कंट्रोल में दिखता है। अब कल प्रधानमंत्री जी का 10 बजे इस पर जो भी अनाउंसमेंट होगा, लेकिन जो भी बातचीत उनकी नीतीश कुमार जी से भी होती रही या जो मीटिंग वगैरह हुई है, उसमें लगता तो यही है कि लॉकडाउन बढ़ेगा, और लेकिन वही बात है कि राइडर के साथ बढ़ना चाहिए। अब बिहार में आपको पता है कि मई से फ्लड का सिचुएशन आ जाता है, जून तक संभव है कि बाढ़ आ जाए, अपने कंट्रोल में है नहीं, ये इशू नेपाल से जुड़ा हुआ है, और अगर फ्लड फाइटिंग का काम नहीं होगा तो कोरोना से जितना इफेक्ट नहीं होगा उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको फ्लड से हो जाएगा। ठीक बात। पिछले 20 दिन से वहाँ कोई काम नहीं हो पाया है, जो प्रीसियस टाइम हम लोगों ने लूज किया है उसमें, तो ये कुछ ऐसा चीज़ जो एसेंशियल है उसके साथ लॉकडाउन होना चाहिए, जो नेसेसिटी है काम करने का उसके साथ हो, ये एसेंशियल है जो हमको दिखता है। अब जो भी प्रधानमंत्री जी कल अनाउंसमेंट करें, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन सारा इम्पॉर्टेंट है, बट उन्होंने जो कहा था कि जान भी और जहान भी, तो जहान के लिए भी कुछ ना कुछ के साथ ही लॉकडाउन हो, ये अपेक्षा हम लोगों की। आपने बातें बिल्कुल ठीक कही कि लॉकडाउन तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट जहां जहां जरूरी है वो काम रोका नहीं जा सकता, और जहान को अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधि पर लगा हुआ ब्रेक अब हटाना पड़ेगा। कल प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे देश को एक बार फिर संबोधित करेंगे, पिछले 3 हफ्तों के अंदर उनका ये चौथा संबोधन होने जा रहा है, और कल सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की वो घोषणा करेंगे, लेकिन इस बार शायद कुछ रियायतें दी जा सके ताकि उद्योग जगत भी कुछ उठ सके। समित पात्रा साहब, जो चर्चाएं हुई क्लासिफिकेशन की, अभी रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, क्या ये कोई इस पर कोई नीति बन चुकी है या इस बारे में कोई जानकारी रखते हैं आप? नहीं, देखिए, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो स्वाभाविक रूप से सरकार के ऊपरी भाग में क्या काम होता है ये पार्टी के लोगों से शेयर नहीं की जाती है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री जी ने एक इंडिकेशन दिया जान भी और जहान भी, उसी के आधार पर, और जो इतने दिन 21 दिन का जो पूरा क्रियाकल्प रहा है उसी के आधार पर हम सब गेस्टवर्क भी कर रहे हैं। और देखिए, 2-3 चीज महत्वपूर्ण है। नंबर एक, अब बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है, उड़ीसा ने एक्सटेंड किया है, तेलंगाना ने एक्सटेंड किया है, पंजाब कह रही है कि वो भी एक्सटेंड करेगी, तमिलनाडु ने अभी थोड़ी देर पहले अपने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया है, तो बहुत सारे राज्यों ने एक्सटेंड कर दिया है। दूसरी बात, मैं अभी झा साहब को भी सुन रहा था, बहुत सारे पर्टिनेंट विषय उन्होंने रखा, फ्लड के विषय में उन्होंने बोला, मगर याद रखिए कोई भी स्टेट इस महामारी में एक आइसोलेटेड स्टेट के रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी राज्य से केस निकल करके किसी दूसरे राज्य में जाने में उसको कुछ मिनटों का ही समय लगता है बॉर्डर क्रॉस करने में। इसलिए कोई भी जो ये जो पूरा का पूरा कल अनाउंसमेंट होगा, ये फुल प्रूफ अनाउंसमेंट होना चाहिए, इसका खासा ध्यान जरूर प्रधानमंत्री जी रख रहे होंगे। तीसरी बात है, आप याद रखिए प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में 11 एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है, एपिडेमियोलॉजिस्ट हो, चाहे मेडिकल फेटर्निटी के लोग हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे नीति आयोग हो, 11
एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो काम कर रही है। तो ये सारा विषय को संज्ञान में लेने के पश्चात ही इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, किस प्रकार से हम एमएसएमई, खास करके एमएसएमई को लेकर मैंने दो दिन पहले एक बड़ा अच्छा आर्टिकल देखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि क्या एमएसएमई के कुछ हिस्सों को खोला जाएगा, किस प्रकार से जो माइग्रेंट लेबर कहीं स्ट्रैंडेड है उनको अपने यूनिट के पास वापस कैसा लाया जाए, इस पर भी काम हो रहा है, ऐसे अखबारों ने रिपोर्ट किया था। तो इन सब विषयों पे मुझे लगता है चंद मिनटों का ही विषय है, चंद घंटों का विषय है, कुछ वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री कल क्या कहेंगे। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि ऐसी रिपोर्ट भी छपी हुई है कि कुछ यूनिट्स को खोला जाएगा। सरकार का एक विभाग होता है डीपीआईआईटी, आज खबर छपी कि उसने ये सिफारिश की है कि 16 सेक्टर्स में आर्थिक गतिविधि को खोलने की अनुमति इस लॉकडाउन के अंदर दी जाए, खासतौर पर वो सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा मैन पावर ओरिएंटेड नहीं है, जहाँ कम आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो एसेंशियल कम्योडिटीज़ की जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए। प्रताप जी, एक ये चिंता जरूर होगी सामने, अभी आपने कहा कि माइग्रेंट लेबर को उसके घर भिजवाने का इंतजाम किया जाए, अब अगर आपको फैक्ट्रियां खोलनी है, उद्योग खोलने हैं, एमएसएमई खोलने हैं, लेबर अगर सारी अपने घर चली जाएगी तो वहां काम कौन करेगा, ये समस्या क्या आपको लगता है खड़ी होगी? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, लेबर और पूरे देश में एक बात सबके समझ में आ गई, मैंने पहली बार देखा है जब चाहे गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके ये समझ में आ चुकी है कि यदि हमें बचना है तो हमें लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं इस बात को, इस वक्त लोग अपना बचाव करना चाहते हैं, लेकिन लेबर के मन में ये नई भावना पैदा हो गई और उस भावना को हमें निकालना होगा। वो चाहता है एक बार मैं मेरे घर पहुंच जाऊं, पता नहीं कब तक लॉकडाउन रहेगा, अब हम कितना भी समझा दें, एक बार लेबर अपने घर जाना चाहता है। जो लेबर अपने घर जाना चाहती है उसको एक मौका देना पड़ेगा। मेरा ये मानना है यदि फिर भी यदि लॉकडाउन हमको बढ़ाना है और हमको लगता है कि इस बीमारी को रोकने के लिए लेबर को रोकना पड़ेगा, यदि हम लेबर को समझाएंगे, वो जानते हैं इस बात को और इसमें कोई दोराय नहीं। इस वक्त मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सबके समझ में आ रहा है, हम पॉलिटिकल लीडर्स के समझ में कितना आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन बाकी सबके समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा है कि ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। अब की बार भगवान ने बराबर से इलाज किया है, उसने कहा है कि मैंने तो आदमी और औरत बनाकर भेजा था, तू तेरा दिमाग काम में ले, जो कंप्यूटर मैंने तुझे दिया है ना, और जो दिमाग तेरे साइंटिस्ट और डॉक्टर तुझे कह रहे हैं, जो मीडिया में खूब प्रचार हो रहा है, वो मानेगा तो तू बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। और इसमें कोई दोराय नहीं, स्प्रेड करता है और इतना स्प्रेड करता है कि इससे बचना मुश्किल है। जहां जहां पे ये लोग गए, मान लीजिए कोई बाहर से आया, विदेश से, ये हमारे यहाँ पे आया तो विदेश से, चाइनीज वायरस है, इंडिया में तो पैदा हुआ नहीं, बाहर से जो भी व्यक्ति आया और वहां पे हमसे चूक ये हो गई कि यदि जो भी हिंदुस्तान के हवाई जहाज पे उतरा उसको वहीं रोक कर लॉकडाउन कर देते 20 दिन के लिए तो ये पूरे देश में नहीं फैलती, लेकिन वो हवाई जहाज से उतरा नीचे दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, फैलता गया, तब किसी ने सीरियस नहीं लिया। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा क्या होना चाहिए था, लेकिन अब इतना सीरियस हो गया कि जो जहां पकड़ा गया उसको पकड़ के वहीं हॉस्पिटल में रोका जा रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है लॉकडाउन बढ़ेगा, ये ठीक है, रुक जाए। आपने लेकिन अभी जो बात की कि हवाई जहाज से चाइनीज वायरस आया और हमारे शहरों में फैल गया, संबित जी कुछ कहना चाह रहे थे आपसे इस पर, जी बोलिए। नहीं, मैं किसी व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं नैरेटिव में कुछ बदलाव लाना चाहता हूं। एक तो देखिए, मैं उस सरकार का प्रवक्ता हूं जो कि सेंटर में गवर्नमेंट चलाती है, तो मैं चाइनीज वायरस इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब तक सरकार इस प्रकार का कोई किसी प्रकार से नोमेनक्लेचर में बदलाव नहीं लाता है तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने अभी मंत्री साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग विदेशों से आए जो संक्रमित करने के लिए एक तरह से जो रेस्पॉन्सिबल थे और उनको रोका नहीं गया और एक इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड रहा। मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक कहूंगा कि देखिए, भारत की सरकार ने बिल्कुल सही समय पर सही पदक्षेप लिए थे, सही स्टेप्स लिए थे, इतना कि एयरपोर्ट में किसको क्वारंटाइन करना है ये एडवाइस देके भेजा जाता था कि आप जाके होम क्वारंटाइन होइए। मगर दुखद बात है, और मैं इसमें पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करूंगा, जो सत्य है वो सत्य है, सत्य यह है कि मरकज के माध्यम से और इस जमात के माध्यम से हिंदुस्तान में लगभग 40-50% केस स्प्रेड हुआ है। झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है, सत्य को सत्य ही रहना चाहिए ताकि इसमें भी साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो सके, क्योंकि क्लस्टर्स जानना, वो कहां कहां गए थे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना, तभी तो संभव होगा कि मस्जिदों में जमात के लोग छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालना। इसमें किसी प्रकार से सेक्युलरिज्म बाधित नहीं होता है, ये धर्मनिरपेक्षता की विषय का विषय नहीं है, यह विषय साइंटिफिक टेम्परामेंट का भी है। देखिए, इन लोगों को कहा गया था कि आप सब जाके क्वारंटाइन होइए, मगर इन्होंने कहीं ना कहीं धोखा दिया है
और मिशनरी वीजा के बदले इन्होंने टूरिस्ट वीजा में देश में प्रवेश किया, जो अपने आप में एक षड्यंत्र है, ये उचित विषय नहीं है। जांच हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा, मगर कुछ चीजें पॉलिटिक्स से ऊपर होता है, उसे पॉलिटिक्स से ऊपर ही रहने देना चाहिए। देखिए ऐसा है, ये वो लोग आ तो गए लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं होगी कि भारत में इतनी सख्त कार्रवाई भी उन पे होगी। एक खबर दे दूं मैं, यूपी के बहराइच में इंडोनेशिया और थाईलैंड से 17 जमाती आए हुए थे बहराइच जिले में, और वहां इनको जब क्वारंटाइन कर दिया गया, उनकी क्वारंटाइन की अवधि खत्म हो गई, सभी लोग किस्मत से नेगेटिव पाए गए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया या उनको वापस जाने दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। उनको जेल में डाला गया क्योंकि उन्होंने भारत में आने की और अपने काम की जो शर्तें बताई थी वो उन्होंने गलत बताई थी, तो सख्ती भी हो रही है। जहां तक लॉकडाउन का सवाल है विच, अब एक सवाल यह है कि जब पिछली बार का लॉकडाउन अनाउंस हुआ प्रधानमंत्री की तरफ से, तो वो केंद्र निर्देशित संपूर्ण लॉकडाउन था, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं था, सरकारों के पास, राज्य सरकारों के पास छूट नहीं थी कि वो उसको अपने हिसाब से लागू या इंटरप्रेट कर सके। आपको ऐसा लगता है और क्या आप चाहेंगे ऐसा कि इस बार का लॉकडाउन राज्य सरकारों पर छोड़ा जाए, वो उसको जैसे लागू करना चाहें? नहीं, देखिए इस लड़ाई को अलग अलग होकर हम नहीं लड़ सकते, इस लड़ाई को सारा राष्ट्र एक होकर ही लड़ सकता है, और सारे देश ने ताली बजाकर और मोमबत्ती जलाकर ये जता दिया कि ये सारा राष्ट्र, उसका कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई भाषा हो, कोई क्षेत्र हो, सारा का सारा एक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इसलिए स्टेटों को परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये लड़ाई एक यूनाइटेड फोरम के रूप में ही लड़ी जा सकती है, और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री जी जब कल अपनी बात कहेंगे तो वो सारे राष्ट्र के लिए योजना रखेंगे, सारे राष्ट्र को बताएंगे। अगर हम अलग अलग प्रदेशों को अलग अलग इजाजत दे देंगे तो उसमें कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं, लॉकडाउन तो सब चाहते हैं संजय जी, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं वहां पर कोई मामला गड़बड़ नहीं है, तो वहां कुछ आवाजाही होने दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स में को पोरस किया जाए, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके, कहीं कहीं ट्रांसपोर्ट भी चल सके, तो ये हर राज्य कुछ ना कुछ अपने हिस्सों के लिए जरूर डिमांड करेगा। जैसे आपने कहा कि बिहार के अंदर 40 घंटों से कोई नया मामला सामने नहीं आया। संजय जी, नहीं, ये मैं आप सही कह रहे हैं कि अगर कोई पॉलिसी बने तो वो यूनिफाइड बने, वो पूरा देश के लिए बने, स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर हमको ये लड़ाई लड़ना है तो एक होकर के ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट स्पेसिफिक इशूज हो सकते हैं, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि प्रधानमंत्री जी हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, जैसे उन्होंने कहा कि 2400 घंटा उपलब्ध है, सब लोग, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी भी अपने पत्र के माध्यम से, फ़ोन से, जो भी कंसर्न्ड स्टेट का है उनको बता चुके हैं। और मैं अभी जैसे बता रहा था, अब फ्लड को लेकर के जो बिहार झेलता है, अब हमारे यहाँ, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, एक इशू सिर्फ बिहार से रिलेटेड नहीं है, नेपाल साइड में काम होना है, नेपाल में लॉकडाउन है, अब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ही उसमें इंटरवीन करके काम करा सकती है अगर वहाँ काम होना है तो ये बहुत सारे इश्यूज, ये तो बिहार के स्टेट का प्रॉब्लम है, नेपाल साइड में काम नहीं होगा आपको फ्लड फाइटिंग का, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिहार पे पड़ेगा, और वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, वो भारत सरकार को ही इंटरफेयर करके ये चीज़ करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज है, उसके अपने जो गेहूं का कटनी होना है खरीफ फसल का, तो ये सब जरूर प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में सारी चीज़ें होंगी, सारे जगह से इनपुट है। अब मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सारी चीज़ को कंसिडरेशन में लेते हुए ही ओवरऑल वो जो तय करेंगे पूरा देश उसको मान रहा है और आगे भी मानेगा। प्रताप जी, आपने एक जो दिक्कत है, परेशानी, उसकी ओर आपने खुलकर इशारा किया, वो थी मजदूरों की। इसके अलावा एक या दो और कोई बातें आपके जहन में आती हों कि लॉकडाउन के दौरान कम से कम इनका समाधान होना चाहिए? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, इस वक्त पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रहा है, अब उनको कल अनाउंसमेंट कर देना चाहिए, जिसके खाते में पैसा नहीं गया उन सब के खाते में 80-90 करोड़ लोगों के खाते में 5,000-10,000 रुपए जमा करा दें। मेरे मित्र संबित पात्रा जी ने आज ये कहा कि क्वारंटाइन करने के लिए हमने सबको कह दिया था, मैं उनसे कहना चाहूंगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा,
यदि उनको वहीं पर रोक दिया जाता हवाई अड्डों पर और उनको रोक कर भारत सरकार जिम्मेदारी के साथ उनको बंद कर देती 20 दिन के लिए 25 दिन के लिए, तो आज ये हालात क्रिएट नहीं होते। ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि हमने उनको क्वारंटाइन होने के लिए कह दिया था। ये सच बोलना कोई गुनाह नहीं है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। यदि केंद्र में किसी की सरकार है और आपके पास पावर है दिल्ली में, हवाई अड्डों पर जो उतर रहे हैं विदेश के लोग, अब वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी सम्मेलन में जा रहे हो, लेकिन आपने वहां तक आपके हवाई अड्डे को क्रॉस करके वो गए और उसके बाद सम्मेलन में शामिल हुए, बाकी लोग भी वहीं से उतर, हमारे यहाँ पर स्पेन से, इटली से जो आए जयपुर में, हमने उनको पकड़ा, एसएमएस में क्वारंटाइन किया, आप भी हवाई अड्डों पर रोक देते, रोक के क्वारंटाइन करते 20 दिन 25 दिन। ये कहकर हम कह दें कि साहब वो तो चले गए, हमने उनको क्वारंटाइन के लिए कहा था, ऐसा कभी होता है? ये बड़ा मुश्किल काम है। इस वक्त मैं इतना कह रहा हूं, मुखिया इस वक्त केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार की तरफ पूरा देश देख रहा है जी। मैं ये उम्मीद करता हूं ये कोई पॉलिटिकल राइवली का वक्त नहीं है, लेकिन ये हमेशा याद रखा जाएगा कि ये वहां से नहीं निकलते हवाई अड्डों से, पहले ही लॉकडाउन कर दिया जाता हवाई अड्डों को, क्योंकि उस वक्त आप उलझे रहे एमपी में सरकार गिराने में, एमपी में आपकी पूरी पावर लगी हुई थी, आप किसी भी दम पे एमपी में सरकार बनाने के लिए किसी विदेशी की जरूरत थोड़ी थी, लेकिन जोर लगाया उतना जोर आप क्वारंटाइन करने में लगाते तो स्थिति पैदा नहीं होती। प्रताप जी, इनको मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए किसी विदेशी की जरूरत थोड़ी थी कि हवाई अड्डे खोले रखते। मैं उत्तर देता हूँ, एग्री, लेकिन ये उस वक्त वहां बिजी थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, तो सब लोग, मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ। हालांकि मेरी कोशिश ये थी कि हम आज फॉरवर्ड लुकिंग बात करें, हम आगे की बात करें। आप दिल्ली में उनको लॉकडाउन, आपके सुझाव जो है वो हम तक पहुंचे, लेकिन फिर भी आप जो बात कर रहे हैं एक महीना पुरानी है, लेकिन ठीक है, आपका सवाल है, वाजिब सवाल है, जवाब दे सकते। नहीं, सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूं। नहीं, सवाल पूछिए, जो भी मन में सवाल है वो पूछिए, जो भी जवाब दे सकते हैं हमारे जवाब दीजिए, पॉलिसी बननी चाहिए। बताइए संदीप जी, ये हमारा कर्तव्य है कि हम जवाब दें। सौरभ जी, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि हवाई अड्डे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, इसलिए जयपुर का हवाई अड्डा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और दिल्ली का हवाई अड्डा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत। ये कोई जयपुर का हवाई अड्डा किसी कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर में और दिल्ली का हवाई अड्डा आम आदमी पार्टी की सरकार की नहीं होती है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए आपको जान के खुशी होगी, कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें एक डिटेल वर्जन रखा कि अगर ये लॉकडाउन हिंदुस्तान में समय रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नहीं होता तो 15 अप्रैल तक 8 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित होते और सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी होती, एक साइंटिफिक स्टडी के आधार पर रखा। 7 देशों की स्टडी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें इटली है, स्पेन है, कोरिया है, ईरान है। इन 7 देशों की स्टडी 7 मानकों पर की गई और इसको स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स नाम दिया गया, क्या सही तरीके से किस देश ने लॉकडाउन किया, किस मानक के साथ वो आगे बढ़े। और ये आपको जान के खुशी होगी कि 100% स्कोर, 100 स्कोर केवल और केवल भारतवर्ष को मिला और भारतवर्ष इसमें बहुत आगे है, ये प्रमाणित ऑक्सफोर्ड में हुआ, वो कोई बीजेपी या हमारी सरकार ने नहीं किया था। आखिरी विषय, आपने कहा कि ये तबलीगियों को हमने बंद करके रख देना चाहिए। देखिए, जब वो उतरते हैं फॉरेन के लोग, जिस समय देश में लॉकडाउन नहीं था, तो उस समय थर्मल स्क्रीनिंग होती है और अगर थर्मल स्क्रीनिंग में आपको बुखार नहीं है तो आप क्वारंटाइन के लिए उनको हिदायत देते हैं, आप उनको बिना आप थर्मल स्क्रीनिंग के लेके पकड़ के क्वारंटाइन नहीं कर देते हैं, इसलिए इनको हिदायत दी गई थी। मगर फिर भी इस सरकार ने बहुत एक्टिवली काम किया और आज हमने कंटेन किया है। मुझे आज खुशी है कि यहाँ हमारे जो मंत्री राजस्थान से हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि तबलीगी जमात के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, अगर जमात नहीं होती तो भारत में ये हालात नहीं होते। जबकि बहुत सारे राज्य, और मैं इसमें बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बंगाल हो गया, आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तमिलनाडु, ये तबलीगी जमात से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं तबलीगी जमात का और कह रहे हैं कि तबलीगी जमात हो या नहीं हो, चलिए ठीक है। आज मुझे खुशी है कम से कम कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि अच्छा, इन्होंने एक सुझाव स्प्रेडर है, पात्रा साहब, इन्होंने एक सुझाव और दिया, इन्होंने कहा कि हर गरीब के खाते में 5-7-10 हजार रुपए डालने की घोषणा जो है प्रधानमंत्री कर दे। जी हाँ, लॉकडाउन पार्ट 2, इसकी घोषणा कल प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे कर सकते हैं। सारे इशारे इसी ओर हैं, जो उनके मुख्यमंत्रियों से बात थी उसके बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर भी दी है, लेकिन क्या इस बार कुछ रियायतें होंगी, पिछली बार और इस बार के लॉकडाउन में कुछ अंतर होगा, ये देखना बाकी है। अभी एक बात प्रताप जी ने कही, मैं इसको ले जाना चाहता हूँ विज साहब के पास और संजय जी के पास। विज साहब, एक विषय हमारे सामने भी कई बार कई लोग उठा रहे हैं,
वो ये कि प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने घोषणा की 1,70,000 करोड़ के पैकेज की, कई खातों में जनधन अकाउंट्स में पैसा गया भी है, राज्य सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जिसके पास ना बैंक का अकाउंट है, जिसके पास ना राशन कार्ड है ना आधार कार्ड है, जो ये सब कहते हैं सबसे गरीब गुरबा तबका जो है, उस तक हम मदद पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, एक भी आदमी को इस लॉकडाउन की वजह से भूखा सोना नहीं दिया। मैं अपने प्रदेश के बाद जानता हूं कि सारे प्रदेशों में हमने ये व्यवस्था की कि सरकार इस बात का ध्यान करे कि कोई भी भूखा ना सोए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस काम में समाज सेवी संस्थाओं ने भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की, और लगभग सारे देश में ऐसा ही हुआ है। लोगों ने चिंता की है कि जिसके पास कार्ड नहीं है, जिसके पास बैंक का खाता नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके पास राशन लेने के लिए पैसे भी नहीं है, तो वो भूखा ना सोए, उसकी व्यवस्था की है हमने, खुद व्यवस्था की है और उनके पास जा जा कर उनको राशन मुहैया करवाया जी। ठीक है, जो लेकिन जो विषय प्रताप जी उठा रहे थे वो दरअसल जो राहुल गांधी का जो ड्रीम प्लान था, जो पिछले साल उन्होंने कहा था यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, वो 72,000 रुपए हर खाते में डालना चाहते थे प्रतिवर्ष। प्रताप जी ने केवल गरीब लोगों के लिए ये सुझाव दिया है कि उसमें कुछ धनराशि डाल दी जाए हर खाते में, ये ना देखा जाए कि ये केवल महिलाओं का खाता हो या केवल जनधन खाता हो। क्या ऐसा होना चाहिए संजय जी, और क्या ऐसा मुमकिन है और जरूरी? नहीं, पहली बात तो ये कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट भी और भारत सरकार भी लोगों के खाते में पैसा दे रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने भी शायद पहली बार किसी स्टेट ने बिहार के बाहर जो हमारे लेबर हैं उनके खाते में 1,000 रुपये, और मुझे जहां तक जानकारी है आज तक 6,00,000 लोगों के खाते में जो बिहार से बाहर रहते हैं 1,000 रुपया हम लोगों ने दे दिया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, गरीब हैं, उनके लिए बिहार में बहुत जगह कैंप चल रहा है। तो निश्चित रूप से मोदी जी बिल्कुल संवेदनशील हैं, जितना हम लोग देख रहे हैं उनके एक्टिविटी को, और डायरेक्ट अभी 15,000 करोड़ का एक पैकेज भी दिया है हर एक स्टेट को, उसमें वहाँ से टीम भी आ रही है और उसमें डेफिनेटली उससे मदद मिलेगा। और ये जो अकाउंट खुला उसका एडवांटेज दिखाई पड़ रहा है, ये जनधन अकाउंट का बड़ा एडवांटेज ये है कि ऐसे लोगों के खाते में डायरेक्ट आप पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एनडीए सरकार का। और हम लोग डायरेक्ट अकाउंट में करीब, आप ये समझिए कि बिहार में राशन कार्ड होल्डर हैं 1,62,00,000 जी, करीब 80,00,000 में के अकाउंट में हम लोग ऑलरेडी 1,000 रुपया ट्रांसफ़र कर चुके हैं 84,00,000 के अकाउंट में। तो इस हिसाब से लोगों को जितना मदद है वो किया जा रहा है। इसमें अभी पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है, शायद हम लोगों के जनरेशन में, शायद हम लोगों से 2-3 जनरेशन ऊपर भी, हम लोगों ने अपने बाप दादा से भी नहीं सुना जो कभी इस टाइप का समस्या किसी कभी देश को झेलना पड़ेगा, और किसी को अच्छा भी नहीं लगता है अभी सुनने में ये पॉलिटिक्स। अभी तो ये है ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ये लड़ाई लड़ रहा है, तो इसमें आगे कल क्या प्रधानमंत्री बोलते हैं। और अभी तक बिल्कुल सही टाइम पे मोदी जी ने डिसीजन लिया है, चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने की बात हो, चाहे डोमेस्टिक बंद करने की बात हो, जिसका बात अभी संबित पात्रा जी कर रहे थे, पूरा डिटेल स्टडी आ गया है कि भाई अगर ये टाइम पर ये एक्शन नहीं होता तो लाखों लोग इससे पीड़ित हो चुके रहते। तो आज अगर हम लोगों ने कंटेन किया है तो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन। तो आपको लग रहा है कि जो बाकी सवाल उठाए जा रहे हैं वो राजनीति का हिस्सा है, ठीक है, इस पर प्रताप जी को कुछ कहना होगा, बिहार जैसे बड़ा एग्जांपल कुछ कहना चाह रहे हैं। सर रोक रहा हूं, वहां पे चाहता हूं। समित पात्रा साहब, अभी अभी एक खबर आई है कि सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, और उसमें उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है उनका देश में जो लोगों के सामने खाने के सामान की कमी उत्पन्न हो सकती है उसको लेकर, और दो सुझाव उन्होंने दिए हैं। एक सुझाव उनका ये है कि ये जो 5 किलो का आप राशन दे रहे थे इसको बढ़ाकर 10 किलो किया जाए और ये 3 महीने तक दिया जाए। इसके अलावा वो लोग जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के एम्बिट में नहीं भी आते हैं उनको भी 10 किलो आटा, 10 किलो का अनाज दिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी जिनके सामने खाने की है, और 6 महीने तक उनको मुफ्त राशन दिया जाए। तो वो 3 महीने और 6 महीने तक मुफ्त राशन देने की बात कह रही है। ठीक है, वो विपक्ष की नेता है, अगर कुछ एडवाइस
कर रही हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसका संज्ञान जरूर जहां लेना होगा संज्ञान लिया जाएगा। मगर देखिए अभी तक धरातल पे क्या उतरा है यह विषय भी जनता तक पहुंचना चाहिए। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग को आप सुन रहे थे कि किस प्रकार लगभग 32 करोड़ जनता तक लगभग 29 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच गया है। मैं उसका थोड़ा सा कट डाउन देता हूं ताकि लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से महिलाओं को, लगभग 20 करोड़ महिलाओं को 9930 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में पहुंच गया है। जो हो गया है वो बता रहा हूं। जो विधवा महिलाएं हैं, जो दिव्यांग है लोग और जो सीनियर सिटीजन है, वैसे लगभग 3 करोड़ लोगों तक 1405 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में पहुंच गए। जो किसान है और जो पीएम किसान योजना के माध्यम से बेनिफिशियरी है, वैसे लगभग 7 करोड़ किसानों के अकाउंट में 13,855 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और ठीक उसी प्रकार जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, 2.16 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनके अकाउंट में लगभग 30,067 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो आप देखिए ये बहुत तो सजेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, मगर मोदी जी उसे क्रियान्वित करके दिखा रहे हैं। 3 महीने का राशन जो 5 किलो था उसको अगर 10 किलो बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक बात है, इस पर चिंतन सरकार जरूर करेगी। ठीक है, अभी आपने लेकिन जो आंकड़े गिनाए, आपने 32 करोड़ लोगों का हिसाब दिया कि 32 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा ऑलरेडी जा चुका है। प्रताप जी कुछ कहना है इस पर आपको? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इसमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि आप केंद्र की पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसमें बार बार मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं गया था, मैं इसलिए ये बात बोल रहा था। ये वक्त है जब एक नारा था 15 लाख और अच्छे दिन, ये तो संकट का दौर है। 90 करोड़ लोगों के खाते में 5 से 10 हजार रुपए हर खाते में चले जाएं, हर गवर्नमेंट को अलग से सिर्फ COVID-19 के लिए पैसा दिया जाए। आप NHM में जो पैसा देते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन में, उसमें तो 40% गवर्नमेंट राजस्थान पैसा लगाती है। आपने जनधन खातों में जो पैसा डाला है वो पहले से चला आ रहा है, 2600 करोड़ रुपए हमने भी डायरेक्ट 1 करोड़ लोगों के खाते में राजस्थान गवर्नमेंट ने डाला, ये हमारी, हम डाल रहे हैं, आप भी डाल दो, सब कर रहे हैं। इस वक्त लोग बड़े पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं, वो दिहाड़ी मजदूर जो इनकम टैक्स पेयर नहीं है, जो बेरोजगार है, वो मीडियम क्लास जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, 90 करोड़ लोगों के खाते में यदि डायरेक्ट ठीक है 5 से 10 हजार रुपए जाएंगे तो ये सर समय खत्म हो गया। मैं आपकी इस बात का एक पॉइंटेड जवाब चाहता हूं समित पात्रा जी, बार बार एक पॉइंटेड जवाब, 90 करोड़ लोगों के खातों में 9-10 हजार खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान की जनता दुआ देगी। उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कल घोषणा करेंगे और 90 करोड़ लोगों के खाते में। प्रताप जी समय खत्म हो गया, जवाब लेने आपकी बात का। देखिए 80 करोड़ जनता तक 1,70,000 करोड़ रुपए की पैकेज मोदी जी ने पहुंचाया। और आज हम सब एक बात तो माने, आज कांग्रेस भी कह रही है, मुझे अच्छा लगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का क्या लाभ है, जो लोग आधार के खिलाफ कह रहे थे, जो लोग ये जनधन अकाउंट के खिलाफ कह रहे थे, आज उसका लाभ पूरा हिंदुस्तान देख रही है। और इसलिए मैं अंत में नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनकी दूरदर्शिता के कारण आज हिंदुस्तान एक अच्छे मुकाम पे खड़ा है। चलिए अब कल प्रधानमंत्री क्या ऐलान करते हैं, क्या रियायतें देते हैं, कहां पर लॉकडाउन ऐसे का ऐसा चलेगा, कहां पर कुछ ढील दी जाएगी, सारी बातें कल सुबह 10 बजे उनका ये संबोधन सुनकर आपको पता चलेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा जी, अनिल विज साहब, संजय झा जी, प्रताप सिंह जी, आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, शुक्रिया आपका।